Adiers, all are welcome to myrepair24ace.com. आज की ट्रेनिंग वीडियो कि एक फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन जिसमें से कपड़े टॉप साइड से लोड करते हैं, ऐसी फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में अगर नॉट स्पिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कपड़े सूखते नहीं हैं, हमने इस वीडियो में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है। इस वीडियो को देखें और सीखें कि नॉट स्पिनिंग की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करते हैं। तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माई नेम इज इस्माइल शेख। हम कुछ ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का रिजाइन दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर हूं। तो डियर्स, हमने इस वीडियो में यही एक्सप्लेन किया है कि वॉशिंग मशीन में हो रही नॉट स्पिनिंग की प्रॉब्लम में मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हम इस टॉपिक्स पे वीडियो बना चुके हैं। उनके चार रीजन तो कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ हो रही मिस्टेक से स्पिनिंग नहीं होते हैं। उस टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप उसको वॉच करें। जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डोर स्विच में अगर कार्बन आ जाते हैं तो उनको कैसे क्लीन कर देना चाहिए तो स्पिनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या कि उनकी ड्रेन लाइन में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो पानी ड्रेन नहीं होते हैं जिसमें आउटलेट का एरर दिखाता है तो मशीन स्पिनिंग नहीं करती है, या कि कपड़े बैलेंस में नहीं रहते हैं और ड्रम बहुत ज्यादा शेक होता है जिससे वॉशिंग मशीन के प्रेशर सेंसर को पता चलता है कि इनके कपड़े अनबैलेंस हैं तो भी स्पिनिंग कंप्लीट नहीं होता है और डीई के एरर दिखा देते हैं। तो वैसे हम इस वीडियो में प्रेशर सेंसर में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, या कि जब वॉशिंग मशीन के पानी ड्रेन ही नहीं होंगे तो ड्रेन होने के बाद में ही तो स्पिनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उनकी ड्रेन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, या कि ड्रेन मोटर जो होता है ड्रेन क्लच मोटर असेंबली उनको रिप्लेस कैसे करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। हमने इस वीडियो में कंप्लीट स्पिनिंग ट्रेनिंग दी है जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग वॉशिंग मशीन स्पिनिंग रिपेयर वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं वीडियोस को और अब चलते हैं वॉशिंग मशीन के स्पिनिंग में होने वाले नेक्स्ट फॉल्ट की तरफ। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में इनके इस डिस्प्ले में कुछ इस तरह से पीई का एरर अगर आता है, पीई पी फॉर प्रेशर सेंसर, ई फॉर एरर, अगर पीई का एरर डिस्प्ले में आता है तो आप इस मशीन को घुमाएं, इसका मतलब है कि वॉशिंग मशीन में लगा हुआ प्रेशर सेंसर में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो डिस्प्ले में पीई का एरर आता है। इनके प्रेशर सेंसर भी इस वॉशिंग मशीन के इसी पिछले पार्ट में ही टॉप साइड में इन पैनल के अंदर फिट होते हैं। उनको रिप्लेस करने के लिए हम वॉशिंग मशीन को घुमाएंगे बिल्कुल वैसे ही, इनके पाइप को डिस्कनेक्ट करके हम इनके बैक टॉप लीड को बिल्कुल इसी तरह से खोलेंगे और ठीक इसी डोर सेफ्टी स्विच के साइड में ही फिट हुए ये प्रेशर सेंसर जो कुछ इस तरह के होते हैं, अगर हम इनको रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं तो डिस्प्ले में पीई का एरर सॉल्व हो जाता है। और डियर्स ट्रेनी, ध्यान देना, जिस फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में डिस्प्ले होते ही नहीं है उस वॉशिंग मशीन में प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम आने से सिर्फ उनके स्पिनिंग प्रोसेस वाला जो इंडिकेटर होता है वो ब्लिंक होता है और सिर्फ मशीन टी करके आवाज करता है, या कि टी 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 करके आवाज करता है, तो ये भी एक प्रेशर सेंसर फॉल्टी होने का इंडिकेशन है, या कि फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के डोर स्विच में कार्बन आने, या कि उनके कनेक्ट ना होने का इंडिकेशन है, या कि वाटर प्रेशर सेंसर और डोर स्विच के वायर्स कहीं से कटे हैं, या कि उन्हें चूहे कुतर गए हैं, उसका भी इंडिकेशन है। लेकिन अगर किसी टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में डिस्प्ले हैं तो उनमें ऐसी ही प्रॉब्लम होती है, इसको केयरफुली वॉच करें पूरी वीडियोस को। तो इनको चेंज करने के लिए इन प्लास्टिक लॉकर्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ यूं पुश करेंगे और प्रेशर सेंसर को यूं पकड़ें और लॉक को ओपन करते हुए कुछ इस तरह से इन्हें बाहर ले लें। जब आप इन्हें बाहर लेते हैं तो इस प्रेशर सेंसर के नीचे के साइड में लगे हुए ट्यूब के कनेक्शन जो बॉडी के अंदर से होते हुए जो वॉशिंग मशीन के वॉश ड्रम को कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ये ट्यूब यहाँ पर इसलिए कनेक्ट होते हैं कि जब वॉशिंग मशीन के अंदर पानी वॉशिंग के लिए भरते हैं और इनके लेबल जैसे जैसे ऊपर को आते हैं तो पानी भरने के साथों साथ इस ट्यूब के अंदर से पानी के प्रेशर ट्यूब के अंदर के एयर को प्रेशर दे करके इस प्रेशर सेंसर की कनेक्टिविटी को बना देते हैं जिससे वॉशिंग मशीन के अंदर वॉशिंग स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर का पानी खाली होगा और इनके पानी ड्रेन हो जाते हैं
तो इसी प्रेशर सेंसर के ट्यूब के अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाने से वॉशिंग मशीन स्पिनिंग स्टार्ट कर देती है। तो हमें इस प्रेशर सेंसर को रिप्लेस करने के लिए इनके ट्यूब किसी प्लायर से इनको दबा करके नीचे की तरफ खिसकाएं और प्रेशर सेंसर की ट्यूब को ओपन करें और फिर इनके नीचे लगे हुए कनेक्टर को उंगलियों से पकड़कर कुछ नीचे की तरफ खींचने से ये बाहर आ जाते हैं। और अब हम इनकी जगह पर किसी दूसरे प्रेशर सेंसर को, जो बिल्कुल सेम टू सेम कैपेसिटी के होने चाहिए, अब हम इनकी जगह पर इन दूसरे नए वाले प्रेशर सेंसर को इनकी जगह पर इनके कनेक्टर को इनमें इनको कनेक्ट कर दें और इस प्रेशर सेंसर के नीचे वाले इस नोजल में ट्यूब के अंदर दबाकर इन्हें कनेक्ट कर दें और फिर किसी प्लायर से इनकी स्टील टाई को ऊपर चढ़ाकर खूब इस तरह से टाइट कर दें और फिर इन्हें इनकी जगह पर इन्हें दबाकर प्लास्टिक मोल्डिंग में लॉक कर दें। और अब वॉशिंग मशीन के टॉप कवर को फिटिंग करके वॉशिंग मशीन के पावर को ऑन करके और फिर जब इनके प्रोसेस के स्पिनिंग वाले बटन को दबा करके स्पिनिंग टाइम लेकर के स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करते हैं तो आप देखिए वॉशिंग मशीन 9 मिनट लेकर के स्टार्ट हो जाएगा और डिस्प्ले में पीई का एरर नहीं दिखाएगा और वॉशिंग मशीन सक्सेसफुली स्पिनिंग करेगी और कपड़े अच्छे ड्राई हो जाएंगे। तो डियर्स, अभी हम जो आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में पानी ड्रेन होते ही नहीं है और पानी ड्रेन नहीं होगा तो स्पिनिंग ही नहीं होगा, तो इनके अगर वो टेक्निकल प्रॉब्लम है जैसे कि ड्रेन मोटर असेंबली का काम ना करना तो उनको रिपेयर करके स्पिनिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये भी देख लेते हैं। जब आपके फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉशिंग कंप्लीट हो चुके होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वॉशिंग कंप्लीट हो चुके हैं, वॉशिंग मशीन रिंस प्रोसेस पे है और स्पिनिंग भी बाकी है, लेकिन वॉशिंग मशीन के इस वॉश ड्रम के अंदर जब आप देखते हैं तो पानी भरे ही रहते हैं, ये पानी बिल्कुल ड्रेन नहीं होने आते हैं। ये प्रॉब्लम वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद जब रिंस पर एक छोटा स्पिनिंग भी होता है तो जब जब ये स्पिनिंग साइकिल पर आएंगे, चाहे वो रिंस के स्पिनिंग में या कि स्पिनिंग साइकिल पर, पानी ड्रेन नहीं होते हैं, या कि अगर हम पावर को ऑफ करके और वापस ऑन करके हम इनके स्पिन बटन को भी प्रेस करके और स्टार्ट भी कर देते हैं लेकिन फिर भी पानी वॉशिंग मशीन के ड्रेन लाइन से पानी ड्रेन नहीं होते हैं। तो अगर वॉशिंग मशीन में ओई का एरर दिखाई देता हो और इनकी ड्रेन लाइन से पानी ड्रेन नहीं होते हो तो इसका सॉल्यूशन है, इसको रिपेयर करने का तरीका है कि वॉशिंग मशीन को फ्लोर पर सुला दें। तो वॉशिंग मशीन को फ्लोर पर ले डाउन करें और आप इस वॉशिंग मशीन के इस ड्रेन मोटर पर ध्यान दें। अगर ये सिंक्रोनाइज मोटर ऑपरेट नहीं होते हैं तो इस ड्रेन मोटर के क्लच वायर जो आप करीब से देखेंगे तो ड्रेन मोटर से निकलने वाली क्लच वायर जो ड्रेन वॉल से कनेक्ट हो रही है कि जब इस क्लच वायर को ड्रेन मोटर अपने अंदर खींचती है तो इस पानी ड्रेन होने वाले ड्रेन वॉल से कनेक्ट ये प्लास्टिक एंकर भी कुछ इस तरह से खींचते हैं, तो इस तरह से खींचे रहने से इनके वॉल खुल जाते हैं और पानी भी ड्रेन हो जाते हैं और इनके खींचे रहने के साथों साथ इनके प्लास्टिक गियर ब्रेकर इनके गियर बॉक्स से लगे हुए गियर को फ्री कर देते हैं, जिससे कि मोटर जब स्पिनिंग पे ऑपरेट होते हैं तो इनके पुल्ली के घूमने से वॉशिंग मशीन के पूरे वॉश ड्रम रोटेट होते हैं, जिससे टब के अंदर कपड़े स्पिनिंग होते हैं। और जब इसी ड्रेन मोटर आने वाली पावर सप्लाई जब ऑफ हो जाती है, यहाँ पे बोल्ट्स आने बंद हो जाते हैं, तो ये सिंक्रोनाइज ड्रेन असेंबली मोटर वर्क करना बंद कर देती है, जिससे इस मोटर से लगी हुई क्लच इस गियर बॉक्स के गियर चेंज होने वाले पार्ट को खींचना बंद कर देती है, जिससे इनके वॉल्व भी बंद हो जाते हैं और इनके जो प्लास्टिक पार्ट है इस तरह से उठे रहते हैं स्पिनिंग में, वे नीचे चले जाते हैं। तो यही रीजन है कि पुल्ली मोटर के चलने से रोटेट होगी तो सिर्फ वॉशिंग मशीन के अंदर सिर्फ पल्सेटर पार्ट ही चलते हैं और ये धुलने का काम करते हैं और स्पिनिंग में रोटेट होने वाला ड्रम बंद हो जाता है, लेकिन सेम मोटर और सेम पुल्ली के घूमने से ही वॉशिंग और स्पिनिंग दोनों होते हैं। तो हमने इस वॉशिंग मशीन में आपको यही एक्सप्लेन किया है कि ड्रेन मोटर अगर अपने क्लच को खींचना बंद कर दे
तो ना ही इनके पानी खुलने वाले वॉल्व ओपन होंगे और ना ही वॉशिंग मशीन के गियर एक्सचेंजर गियर बॉक्स के स्पिनिंग वाले गियर्स को भी ऑपरेट नहीं करेंगे। आप चेक करिए कि ये ड्रेन मोटर फॉल्टी तो नहीं है या कि इनको पावर सप्लाई अगर नहीं आ रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। आप इस ड्रेन मोटर असेंबली के पावर सप्लाई क्लिप्स को यहां से निकालें और इनके दोनों पॉइंट्स पे चेक करें कि जब हम वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल पे पावर बटन को ऑन करके और स्पिनिंग मोड पे सेलेक्ट करके जब हम स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो यहां पर इस कनेक्टर पर 220 वोल्ट्स जिससे ये ड्रेन मोटर असेंबली ऑपरेट होते हैं। इस टर्मिनल पर बोल्ट्स को चेक करने के लिए हम किसी मल्टीमीटर बोल्ट टेस्टर का भी यूज कर सकते हैं कि जब हम बोल्ट मीटर के इन दोनों टेस्टिंग प्रॉड को लगा करके जब हम यहां पर चेक करेंगे तो हमारे बोल्ट मीटर के डिस्प्ले में अप्रोक्सीमेट सिंगल फेज पावर सप्लाई के आसपास यहां पर वोल्टेज मीटर में शो होने चाहिए, दिखने चाहिए। और अगर आपके पास इस तरह के बोल्ट टेस्टर नहीं है तो आप यहां पर सिंगल फेज से ऑपरेट होने वाले इन दोनों टर्मिनल पर बल्ब को भी जला करके टेस्ट कर सकते हैं कि यहां पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। अगर यहां पर वोल्टेज आते हैं तो कंफर्म है तो हमें इनके ड्रेन मोटर को ही रिप्लेस करना होगा। तो यहां पर आपको एक चीज और भी चेक करना है कि जो ड्रेन मोटर को बोल्ट्स जो आ रहे हैं, जो करंट आ रहे हैं, वो मेन पीसीबी कंट्रोल से आते हैं जो वॉशिंग मशीन के सामने फ्रंट पैनल पे लगे होते हैं जहां पे बटन्स होते हैं। इन्हीं बटन टच पैड के नीचे फिट होते हैं। अगर ड्रेन मोटर के टर्मिनल तक इलेक्ट्रिक बोल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप इस पीसीबी को निकालो। तो वॉशिंग मशीन की पीसीबी को निकालने के लिए आप इनके ये वाले एक यहां पर और दूसरा यहां पर इनको खोलने के लिए इनके रबर कैप को यहां से हटाएं और किसी स्क्रू ड्राइवर से इनको खोलें। इनके दोनों स्क्रू को खोल पीसीबी को कुछ इस तरह से ऊपर को पुल करें और इन्हें यूं उठाएं और इनके सभी कनेक्टर्स को कुछ इस तरह से इनके कनेक्टर को चुटकियों से दबाएं और पुल करके कुछ इस तरह से निकालें। इनके सभी कनेक्टर्स को निकाल कर कुछ इस तरह से इन्हें फ्री कर लें और जब ये पीसीबी वायर से फ्री हो जाएं तो पीसीबी के पैनल से फिट हुए सभी कनेक्टर्स को खोल करके पीसीबी के इस तरह से निकाल करके आप इन्हें और उनको रिपेयर के लिए दे दो। और अगर आपके यहाँ वॉशिंग मशीन के पीसीबी रिपेयर के सेंटर्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें कि अगर हमारी सर्विसेज आपकी सिटीज में अवेलेबल हैं तो हमारे इस 9833337777 कॉन्टैक्ट नंबर पे डायल करके आप हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को आप अपने डोर स्टेप पर भी रिपेयर के लिए बुला सकते हैं या कि आप अपने वॉशिंग मशीन का पीसीबी कंट्रोल बोर्ड रिपेयर के लिए हमसे टाइप रिपेयर सर्विस सेंटर पे चाहे ट्रांसपोर्ट के थ्रू या कि ऑनलाइन उनको डिलीवर करके वहां से रिपेयर करके मंगवा सकते और आप अपने वॉशिंग मशीन में फिटिंग कर सकते हैं अगर आप रिपेयर कर सकते हैं तो अभी आगे हम आपको यही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ड्रेन मोटर तक पावर अगर पीसीबी से आते हैं तो भी ड्रेन मोटर अगर ऑपरेट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ड्रेन मोटर में प्रॉब्लम है। इसको रिप्लेस करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें देखते हैं वीडियोस को। तो डियर ट्रेनी, याद रखना इनके वॉल्व, इनके ड्रेन वॉल्व और गियर बॉक्स का गियर एक्सचेंजर पार्ट को खींचने वाले ये ड्रेन मोटर असेंबली कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। आप इन्हें ध्यान से देखना, अगर इस टाइप के इसमें फिट हैं तो आपको ऐसे वाले लगाने हैं या कि अगर कुछ इस तरह के हैं जैसे कि LG ब्रांड की वॉशिंग मशीन में ड्रेन वॉल पुलर, तो अगर ऐसे वाले अगर ड्रेन असेंबली यूज हुए हैं तो आपको इस तरह की ड्रेन मोटर असेंबली यूज करना होगा। और या कि अगर इस ड्रेन मोटर की जगह पर बिल्कुल सेम टू सेम कुछ इस तरह की ड्रेन मोटर असेंबली अगर इसमें यूज हुए है तो आप ऐसे वाले ड्रेन मोटर असेंबली को इसमें यूज करें। तो इसको रिप्लेस करने का टिप्स है कि इस ड्रेन मोटर के इस वाले स्क्रू को किसी स्क्रू ड्राइवर से इनको खोलें और ये जब खुल जाएं तो इनके नीचे वाले स्क्रू को भी यहां से खोलें और जब इनके यहां वाले स्क्रू भी निकल जाएं तो आप इस ड्रेन मोटर को यहां से हटा लें और सिंक्रोनाइज मोटर के इस गियर से फंसे हुए ये क्लच वायर जो प्लास्टिक पुलर को फंसाए गए हैं इनको थोड़ा अंदर की तरफ पुल करते हुए इन्हें कुछ यहां से इस तरह से निकाल लें और आप इनकी जगह पर दूसरे वाले इस ड्रेन असेंबली के
क्लच को सबसे पहले प्लास्टिक वाले पार्ट के इन्हें कुछ इस तरह से फंसाएं और जब इनके क्लच इसमें फंस जाएं तो आप इनके स्क्रूज को इनके अंदर सेट करें और इनकी प्लास्टिक बॉडी के अंदर जहां पर ये फिट होते हैं इनको किसी स्क्रू ड्राइवर से इनको टाइट करें। इनको ज्यादा भी ना टाइट करें कि ये प्लास्टिक में फिट होते हैं। फिर इनके नीचे वाले स्क्रू को भी लगा करके इनको टाइट कर दें और फिर इनके पीसीबी से आने वाले कनेक्टर को भी इनके अंदर प्रेस कर दें। और अब इस वॉशिंग मशीन को सीधा करके और अब आप पावर बटन को प्रेस करके डिस्प्ले ऑन करें और स्पिनिंग बटन को प्रेस करके स्पिनिंग सेलेक्ट करें और स्टार्ट कर दें। और फिर आप देखेंगे कि इनके ड्रेन वाल्व ऑटोमेटिक खुलने लगेंगे, क्लच खींचने लगेगा और इनके वॉश मोटर से चढ़ी हुई पुल्ली अब मोटर के रोटेट होते ही वॉशिंग मशीन के स्पिनर ड्रम रोटेट होने लगेंगे और पानी ड्रेन होने और नॉट स्पिनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पूरी करने से पहले हमारी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कुछ स्पिनिंग के फॉल्ट ऐसे भी होते हैं कि जब वॉशिंग मशीन के गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आती है तो आपके वॉशिंग मशीन में स्पिनिंग के टाइम पे स्पिन होने वाले कपड़े स्पिन ड्रम के अंदर गोल गोल सा गट्ठर बनने लगते हैं और वे कपड़ों के गट्ठर स्पिन ड्रम के अंदर एक साइड में होकर के बहुत शेक करते हैं वॉशिंग मशीन को, बहुत झुलाते हैं जिससे वॉशिंग मशीन के प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। वॉशिंग मशीन रिंस का टाइम उसमें और भी इंक्लूड करके उनको बहुत देर तक वॉश करती रहती है। तो ऐसे प्रॉब्लम में वॉशिंग मशीन के अंदर जो गियर बॉक्स पार्ट होता है उनको कैसे रिपेयर किया जाए, गियर बॉक्स को रिपेयर करके वॉशिंग मशीन में होने वाली स्पिनिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, एक चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशन है जिस फॉल्ट की ट्रेनिंग उस वीडियो को भी हम पोस्ट कर चुके हैं, आप उनको जरूर वॉच करें और बने वॉशिंग मशीन रिपेयर एक्सपर्ट। हम इंडिया के कई सारी सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें कि क्या हमारी सर्विसेज आपकी सिटीज में अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो हमारे इस 9833337777 कॉन्टैक्ट नंबर पे डायल करके आप हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को आप अपने डोर स्टेप पर बुला सकते हैं। आपके घर के सारे बड़े अप्लायंसेस में हो रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्ट्री सॉल्व करेंगे। होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस से क्वालिफाई होने के लिए हमारे इस रिपेयर 24H यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।